तिलका मांझी विश्वविद्यालय में आज छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल स्नातक पार्ट थर्ड में प्रमोटेड छात्रों को फॉर्म भरने से आज विश्वविद्यालय ने रोक दिया, जिसके बाद कुछ छात्रा विश्वविद्यालय प्रशासन की गाड़ी के सामने आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने तुरंत छात्राओं को प्रशासन की गाड़ी के सामने से हटा दिया, नहीं तो छात्रा गाड़ी के नीचे आ जाती। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि स्नातक पार्ट थर्ड प्रमोटेड छात्र छात्राओं को फॉर्म भरने का समय चंद घंटों का दिया गया, जिससे वो फॉर्म नहीं भर पाए। इसी कारण छात्र छात्राओं ने वीवी में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इन छात्र छात्राओं के समर्थन में विभिन्न छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी वीवी में जमकर प्रदर्शन किया। जो पार्ट वन में प्रमोटेड था स्टूडेंट, उनके लिए नोटिफिकेशन कल के डेट में 19 तारीख के डेट में दोपहर 2 बजे के आसपास जारी किया, जिसका सूचना जो है किसी कॉलेज को भी नहीं था कल तक। तो स्टूडेंट को किसी भी तरह सूचना मिला दूसरे जगह से, तो कॉलेज से संपर्क किया, उनको जो है नोटिस दिया, दिखाया गया, तब जाके कॉलेज जो है किसी कॉलेज में किस कम बेस छात्र का हुआ। लेकिन बहुत सारे अधिकांश छात्र ऐसा है जिनका जो है कि फॉर्म नहीं भर पाया। 2 घंटा में क्या होगा, कॉलेज 4 बजे बंद हो जाता है, 2 बजे नोटिस आया, कल तक तो सिर्फ नोटिस को समझने में ही लग गया। आज हम लोग सुबह से ही 8 बजे से खड़े हैं, लेकिन नहीं हो पाया है हम लोग का। तो अभी आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है एग्जाम डेट को आगे बढ़ाकर और हम लोग का जितना है सबका फॉर्म भराया जाए। साइंस वाले का तो पढ़ने का भी टाइम है, इस तरह से हम लोग का समय बढ़ जाएगा। क्या नाम है? मनीष कुमार। आप किस में है? आप पार्ट थर्ड में ही? आप भी? जी पार्ट थर्ड। कैसे क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग सारा की एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए आए थे, पार्ट वन में जो प्रमोटेड किया तो भरने नहीं दिया हमको, तो हम गाड़ी के पास खड़ा थे, तो हमको मैडम और सर हमको धकेल करके हटा दिए और मेरा पैर भी पैर पे गाड़ी चल गया है, सारे पुलिस लोग भी हटा दिए थे, महिला पुलिस नहीं थी। अभी आप लोगों को आप लोग जो बातचीत की उसमें क्या आप लोगों को बताया? के द्वारा भूल हो गया था, यही बोला जी। इनसे जब पूछा गया कि नोटिस आपको कितने बजे आया, तो सबर पुलिस का प्रिंसिपल बोला गया कि 5 बजे हमको नोटिस आया और बच्चे वहाँ 4 बजे तक एडमिशन कराने के लिए भीड़ में खड़े थे, लेकिन वहाँ एडमिशन नहीं, बच्चा 4 बजे घर गया और 5 बजे ग्रुप में नोटिस आया, 5 बजे कॉलेज बंद हो गया। अगले दिन जब आज बच्चा सुबह सुबह कॉलेज गया तो प्रिंसिपल मैम सीधा बोले कि आज कुछ नहीं होगा, आप लोग को यूनिवर्सिटी जाना होगा, आज का कैंसिल हो गया, आज नहीं होगा एडमिशन। क्या नाम है? मोहित सिंह। अभी अंदर क्या बातचीत हुई आप लोगों की? बोले कि गलती से नोटिस जारी कर दिए थे, उसको सुधार करके फिर से अभी जो नोटिस जारी हुआ है अभी किसी वक्त हो गया तो है। इस नोटिस में क्या आप लोगों को पड़े नामांकन किया जा रहा है? नहीं हो गया अभी, तो उसको भी एग्जाम देने नहीं देंगे। तो आपके साथ क्या हुआ था? आप जो गाड़ी के सामने आए थे? हम गाड़ी के सामने आए थे तो हमको सर और मैडम को दोनों खींच करके हटा दिया, मेरा पैर पे गाड़ी चल गया था। गाड़ी के सामने आप क्यों आए थे? हम एडमिशन के लिए आए थे गाड़ी के सामने, सुबह से खड़ा थे, सर से नहीं मिलने दे रहे थे, सर नहीं मिलने दे रहे थे। आप लोग यहाँ कब से हैं? हम 8 बजे सुबह 8 बजे से आए हैं। कहाँ से आते हैं? आए हैं साजंगी नपटोलिया से, नाथ नगर। कौन से कॉलेज से? मरवाड़ी कॉलेज से। क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी।